हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या भाई, सारे बेटा? चलो जल्दी से बेटा, सारे बच्चों को इनवाइट कर लो, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो, शेयर करो जल्दी से, और फिर हम आज एनटीए का एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें बेटा। स्टार्ट किया जाए बेटा। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, आज तो संडे है बेटा, लेकिन आज क्लास है ना। तो नीट यूजी बम्पर ऑफर चल रहा है, जिसमें 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो नीट 2022 या 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, और कई सारे बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और हो रहे हैं। और साथ ही अनअकैडमी जो कॉम्बैट टेस्ट है, ये भी आप देंगे। संडे को होता है बेटा, 11 बजे, है ना, 1 घंटे का टेस्ट होता है। कोड कौन सा यूज करेंगे? एचजी लाइव कोड यूज करेंगे, ये भी आपके लिए फ्री है ना, फ्री है। तो ये टेस्ट भी आप जरूर दीजिएगा, और कोड ध्यान रखिएगा, एचजी लाइव का आप यूज करेंगे। ओके, टाइम टेबल पर वीडियो, हाँ बेटा बनाऊंगा बनाऊंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में तो पता ही होगा, मैं हूँ डॉक्टर हरिओम गंगवार। 2010 में सिलेक्शन हुआ था, 2011 से पढ़ा रहा हूँ, है ना, और कई सारी किताबें मैंने लिखी हैं, तुम लोग जानते होगे। तो वेलकम बैक बच्चों। हाँ राजेंद्र बेटा, लेट हो गए हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वॉइस प्रॉब्लम? वॉइस में क्या दिक्कत है? वॉइस में क्या, वॉइस क्लियर आ रही ना बेटा? वॉइस तो क्लियर आ रही मुझे लग रहा है। गुड मॉर्निंग एकता दीदी। चलो बताओ। कल वाइस क्लियर नहीं थी, आज तो क्लियर है मुझे लग रहा है ना, कल थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट हो भी चुका है। एस ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल क्या प्रोड्यूस करती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड को प्रोड्यूस करती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेक्रेट ग्रो आर सीन इन सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज आर। ये सरगुजा चंदा और बस्तर एरियाज में जो सेक्रेट ग्रो होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सेक्रेट ग्रो कहां पर मिलेंगे? सरगुजा एंड चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेनी मेटाबॉलिक फेल अंडर एरोबिक कंडीशन। इट फॉर्म एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड क्या बनाएगा?
एरोबिक कंडीशन में किसका फॉर्मेशन करेगा? एरोबिक कंडीशन में इस अभी देखो, ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है बेटा, एवरीथिंग इज राइट। अरे जल्दी नहीं बेटा दिव्यांश, देर में आया बेटा। चलो तो बेटा देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पर है तो लिंकेज हो जाएगा, और लिंकेज होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डैश एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल एंड विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिक्स हार्बर डैश स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो इन जनरल अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और ट्रॉपिक में ज्यादा स्पीसीज होंगी टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में। तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मैं इक्वेटर से पोल पे जाने पे डिक्रीज होगा ना, मतलब डिक्रीज होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सी नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन, हाँ बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हाँ बी होगा, बी होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा बेटा? डीएनए, देखो सबसे पहले दिया ही हुआ है सारे ऑप्शन में, है ना, डीएनए। डीएनए के बाद क्या आ जाएगा बेटा? डीएनए के बाद आरआरएनए आ जाएगा, फिर एमआरएनए आ जाएगा, और सबसे बाद में टीआरएनए आ जाएगा। उसी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। राइबोसोमल आरएनए, आरएनए में सबसे बड़ा होता है ना, राइबोसोमल सबसे छोटा होता है टीआरएनए। उसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी पोस्ट माइटोटिक डिवीजन विल बी रिक्वायर टू प्रोड्यूस 100 जायगोट इन द फ्लावरिंग प्लांट। कितने पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी एक 100 जायगोट को बनाने के लिए? कितने पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी? क्वेश्चन नंबर 7,
पोस्ट मियोटिक माइटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन में पूछा है माइटोटिक डिवीजन कितने थे, तो देखो 100 जाइगोट बनाने हैं आपको, तो 100 जाइगोट को कैसे बनेंगे 100 जाइगोट, जब 100 स्पर्म, 100 स्पर्म हो 100 एग, ठीक है। अब 100 स्पर्म कैसे बनेंगे, ये जब फ्यूज करेंगे तब 100 जाइगोट बनेंगे, है ना। आपको 100 स्पर्म कैसे, बेटा मियोटिक डिवीजन का नंबर नहीं पूछा, मियोटिक डिवीजन पूछता तो तुम सीधे फॉर्मूला लगाते 5n/4, ठीक है। अब 100 स्पर्म कैसे बनेंगे, देखो एक अगर पॉलन मदर सेल, तो एक पॉलन मदर सेल में मियोसिस हो, और मियोसिस होने से 4 पॉलन ग्रेन बन जाए, 4 पॉलन ग्रेन जो बनेंगे बेटा, 4 पॉलन ग्रेन। अब एक पॉलन ग्रेन हम ले लेते हैं, एक पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होगी, 2 सेल स्टेज बनेंगी, जनरेटिव वेजिटेटिव, फिर एक बार और माइटोसिस होगी, और एक बार माइटोसिस होने से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर मेल गैमेट आपको मिल जाएंगे, 2 माइटोसिस होंगी तब मेल गैमेट बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एक मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में, तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने पर 4 मेगा स्पोर बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, 3 डीजनरेट कर जाएंगे, एक बचेगा फंक्शन, एक फंक्शन बचेगा, और एक जो फंक्शन होगा इसमें कितनी बार माइटोसिस होगी, 3 बार, 3 बार तब जाके एक बनेगा, तो 2 माइटोसिस यहाँ पर हो गए पॉलन ग्रेन में, और 3 मेगास्पोर में हो गए, 5 हो जाएंगे, यानी अगर 100 जाइगोट आपको बनाने हैं तो 500 माइटोसिस पूछा है, माइटोटिक डिवीजन। अगर इसमें पूछता कि कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए, अगर पूछता कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए, ठीक है, तब आपका आंसर होता 125, लेकिन माइटोटिक डिवीजन पूछा है बेटा, तो माइटोटिक डिवीजन चाहिए 5, क्लियर है इतना, क्लियर है बेटा। ग्लूट 4, ये तो आपके नीट 2020 में पूछा गया था, ग्लूट 4 क्या है, ग्लूट 4 इज ए प्रोटीन विच इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग सेल, द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रा का नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, हाइड्रा का नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, हाइड्रा का नर्वस सिस्टम बना होता है नॉन पोलराइज्ड नर्वस सेल, ये आपको याद करना पड़ेगा, एनसीआरटी में नहीं दिया गया। चलो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है प्रोस्टेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के लिए, प्रोस्टेटिक ग्रुप कोएंजाइम, नेचर कैसा होता है ऑर्गेनिक, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक होता है, दोनों ऑर्गेनिक होते हैं, बस यहाँ से आंसर कर दो, अगर दोनों ऑर्गेनिक होते हैं बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं गया तो सी ऑप्शन हो जाएगा, देख कुछ करना ही नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं गया आपको। इन ए पी प्लांट द जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर विल बी एक्सप्रेस्ड एज, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर क्या एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे सीड होंगे, राउंड सीड होंगे विद इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, राउंड सीड विद इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। Which one of the following is a wrong statement? कौन सा गलत है यहाँ पर? Ozone in the upper part of atmosphere is harmful to animal. यही गलत है बेटा। Upper part में जो होता है वो good ozone होता है, वो harmful नहीं होता है। Lower atmosphere वाला harmful होता है हमारे लिए, है ना? तो यही wrong statement हो जाएगा। Which of the following statement are correct? कौन से correct statement? Question number 13. PCR is now routinely used to detect HIV in the suspected AIDS patient, सही है? A single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using autoradiography, भी सही है? ELISA is based on principle of antigen antibody interaction, ये भी सही है? Today, transgenic model exists for many human models such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer, क्या सही होगा? सारे ऑप्शन सही है ना, सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट एन ऑर्गेनिज्म,
दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर यूकेरियोट, देयर बॉडी मूव अलोंग डीकेइंग ट्विग, समझ में आ गया ना, एंड लीव। किसके बारे में बात हो रही, स्लाइम मॉल्ट के बारे में। पूरा पढ़ने की जरूरत क्या है जब आपको पता चलता है, अगर पूरा, अगर आपको कितने भी पता चला तो पूरा पढ़ के क्या करोगे आप, स्लाइम मॉल्ट आंसर हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विल शो ए कंडीशन एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम तो ही नहीं है आपको, इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या दिया हुआ है, ये एपिस्टेसिस का क्या चल रहा है। अब ऐसे सवाल आपके नीट में आते नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये एपिस्टेसिस के क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, डोमिनेंट ट्रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, ओनली लिखा तो गलत हो गया ना। डोमिनेंट ट्रेट तो हेटरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकती है, रिसेसिव कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, सही। डोमिनेंट कंडीशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन हेटरोजाइगस कंडीशन, गलत है बेटा, वो केवल और केवल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखो आप, ठीक है, जिसका आंसर आप कर रहे हो। द सैंड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रेक्शन एंड दिस इज नोन एज। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज नेम्ड एज एट्रियल सिस्टूल। योलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा आर, योलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा कैसे होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा, है ना। योलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा क्या होते हैं, दीज आर फिलामेंटस, लेकिन कैसे होंगे, फिलामेंटस में दो ऑप्शन है, फिलामेंटस और अनब्रांच्ड होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो बेटा, शेयर करते रहो, लाइक और शेयर करते रहो बेटा, और जगते रहो मेरे बच्चों। थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा सा टहल लो, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन फिक्सेस नाइट्रोजन थ्रू नॉन नोडुलेशन, नॉन नोडुलेशन का मतलब होता है बिना नोड्यूल के फॉर्मेशन के। तो बेटा राइजोबियम तो नोड्यूल को बनाता ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कोलोइड रूट ऑफ साइकल्स इन एसोसिएशन भी देना बिना, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्स होगा बिना नोडुलेशन के, लाइजेस कैटेलाइज थ्रू। लाइजेस किसके द्वारा कैटेलाइजेशन करता है, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड। बिल्कुल, लाइजेस को पहचानने का यही तरीका है कि डबल बॉन्ड छोड़ता है। स्पीसीज हैविंग एक्सक्लूसिव एरियाज ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आर, एक्सक्लूसिव एरियाज ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, अरे जो स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है उन्हें क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पीसीज। जियोग्राफिक टर्म से आप पहचान सकते हो ना, जियोग्राफिक टर्म से आप पहचान सकते हो एलोपैट्रिक स्पीसीज को। ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंजेस इन, ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, जो ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसेंट्रेशन से स्टिमुलेट या एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 23 का डी ऑप्शन होगा, एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है ना, एनसीईआरटी में आपको ये दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, देखते हैं जरा पढ़ा जाए। द अपर पार्ट सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, सम ऑफ विच पियर टेस्ट, बस सही है। द सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नहीं बेटा सिरोसा तो आउटर मोस्ट होती है। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी वेटिंग अबाउट 4.2 to 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का किसका लिवर होता, नहीं बेटा 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द स्टमक स्टोर फूड फॉर 2 to 3 hours, ये तो स्टोर करता है बेटा कितनी, 4 से 5 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट केवल वन वाला है, तो एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा।
ना, वन ओनली। राजेंद्र करें सर गुस्सा होता थी कैसे कंट्रोल करें? पानी पियो बेटा पानी। सीडलेट फ्रूट आर प्रोड्यूस फ्रॉम, सीडलेस फ्रूट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सीडलेस फ्रूट जैसे बनाना की बात करें, है ना, बनाना एक सीडलेस फ्रूट कैसे बनता है? पार्थेनोकार्पिस और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अनफर्टिलाइज, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ठीक है, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड पॉसिबली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम हम इंस्पायर कर सकते हैं, MIT में भी मैंने कराया था, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। विच आर द फॉलोइंग फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, बहुत इस तरह के सवाल आपके नीट में भी पूछ रहे थे, इनकरेक्ट है ना। चलो देखते हैं जरा, मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर, तो सही है। बी ऑप्शन में क्या कहा है, द लेबिया माइनोरा फ्लेसी पीरियड ऑफ टिश्यू इज एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, ये तो लेबिया मेजोरा है बेटा, है ना, लेबिया माइनोरा लिखा तो गलत हो गया। फिर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ये तो सही है। द क्लाइटोरिस लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया मेजोरा, टू लेबिया माइनोरा, है ना। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर, तो बी डी और ई गलत हो जाएगा, बी डी ई ए ऑप्शन हो जाएगा ना, बी डी ई गलत है, 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा। द स्टेप दैट आर एसोसिएटेड विद एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब बिना एटीपी के, बिना सॉरी बिना ईटीएस के एटीपी बन जाता है, ये कहां पर होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड के बनने के दौरान। लेकिन 1,3-DPGA से P3PZ और पेप्सिपाइरूविक एसिड, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है और ये क्रेब साइकिल की रिएक्शन है ना, ये क्रेब साइकिल में आप पढ़ते हैं और ये ग्लाइकोलिसिस में आप पढ़ते हैं, तो ऑल हो जाएगा आंसर यहाँ पर, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, है ना। ड्यूरिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे पोमेटो को बनाया गया था ना सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला डाइजेस्टेड बिफोर फ्यूजिंग द सेल, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा हुआ है, 51% ऑफ कार्बन इज फाउंड डिजोल्व इन ओशन, ओशन में कितना डिजोल्व, 51% नहीं बेटा 71%, ये तो पहला गलत हो गया। द ओशियानिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर, ये सही। सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट एज सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, ये सही है। कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर, ये भी सही है ना। ये भी सही है ना, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49%, 49% ही होता है। Thank you.
तो यहाँ पर बेटा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, जितने ऑप्शन दिए हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हाँ ये ऑप्शन बना लो आप लोग, है ना। चलो, इंडस्ट्रियल मिलेनियस इन पेपर्ड मॉथ अकर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर दिस एज। नहीं बेटा सुनो, सही है, नेक्स्ट ओनली टू वाटर सही, ऑप्शन कोई मैच नहीं करता। 31 देखो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म प्रिपर्ड मॉथ अकर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर दिस। एडवांटेजेस सिलेक्शन ऑफ व्हाइट मॉथ फ्रॉम ट्रीज ऑन पॉल्यूटेड एरियाज रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट मॉथ। सही, या एडवांटेजेस सिलेक्शन ऑफ ब्लैक मॉथ ऑन ट्री इन पॉल्यूटेड एरियाज रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन इन ब्लैक मॉथ। किसकी पॉपुलेशन, पॉल्यूटेड एरिया में किसकी पॉपुलेशन बढ़ी थी? पॉल्यूटेड एरिया में ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी ना, व्हाइट का तो शिकार ज्यादा हुआ, तो तीनों सही नहीं। सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा ना। फाइंड आउट मिसमैच पेयर, मिसमैच कौन सा है? हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव सही है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट। नहीं बेटा ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। एर्थ नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रेप्स, एर्थ नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रेप। आर्टिकुलेट टू द सेवेंथ रे विद द हेल्प ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। क्लियर, बी हो जाएगा ऑप्शन। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ए डाइथीकस एंथर इज, डाइथीकस एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? डाइथीकस एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। चलो कॉलम मैच करते हैं, वन और टू। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। एक को ऐसे मैच करा दिया, दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम मेंटेन बॉडी पोस्चर, बी को टी से मैच करा दो, बी टी ए एस। चलो दो ऑप्शन अभी। हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, तो सी को पी से मैच करा दिया, डी ऑप्शन आ गया। इन 1963 टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड, देवर एंड, ये कौन से थे? तो एक तो आप जानते हैं एनसीईआरटी में दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ता था जिसका नाम मिथाइलेज था, तो ये मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज थे। नेकेड मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड एज, नेकेड मल्टी न्यूक्लिएटेड और सेप्रोफिटिक, किसके बारे में बात हो रही है? स्लाइम मॉल्ट के बारे में बात हो रही है। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन टू वेज, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए ग्रोथ रेट। टोटल ग्रोथ क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन ए कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड बी ग्रोथ रेट, इसे कहते हैं रिलेटिव। तो यानी ए आंसर सही हो जाएगा 38 के लिए। 39 पे चलते हैं। वेयर विल यू लुक फॉर द गैमीट ऑफ ए मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट के गैमीट आपको, मलेरियल पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम की बात कर रहा है, तो प्लाज्मोडियम के पैरा गैमीट आपको कहाँ मिलेंगे? अच्छा सवाल है, ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? कट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो दैट एक्ट एज वेक्टर फॉर द मलेरियल पैरासाइट, कट में आपको मिलेगा। 39,
में आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। इफ इन ए फोटोसिंथेटिक सिस्टम H2O टाइप इज प्रोवाइडेड, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन होती है वो पानी से ही आती है, तो अगर H2O18 दिया है तो O18 निकलेगा, O18 निकलेगा। कॉल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉल्चिसिन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? कॉल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कॉल्चिसिन को कॉल्चिकम ऑटमनेल के कॉर्म से ऑब्टेन करते हैं। कॉल्चिकम ऑटमनेल के कौन से ऑब्टेन किया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल, या इन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, कैजुअल इंटरकोर्स हो जाता है, या रेप की केसेस में प्रेगनेंसी से बचाने के लिए आई पिल, अनवांटेड 72 या पिल 72 इनका यूज करते हैं, इन्हें मॉर्निंग आफ्टर पिल कहा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलो ये देखो जरा, फिगर आपको दिए गए, ये आपको पहचाने तीनों एनसीईआरटी के डायग्राम है बेटा, ए बी और सी, ये आपको दिए गए। सी वाला दिखाई दे रहा है, जाइगोट यानी डिप्लॉयड स्टेज थोड़े समय के लिए आती, तो ये हैप्लोन्टिक हो जाएगा। यहाँ पर स्पोरोफाइट देखो, ज्यादा समय के लिए डिप्लॉन्टिक हो जाएगा और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो जाएगा। तो ए क्या है? ए डिप्लॉन्टिक है, बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सी हैप्लोन्टिक, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। प्रोन्यूबा मॉथ इज स्पेसिफिक पॉलिनेटर ऑफ मॉथ, युक्का और मॉथ की रिलेशनशिप एनसीईआरटी में आपको दी गई, युक्का और मॉथ के बीच की रिलेशनशिप है। चलो यहाँ पर देखो, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया और वैसे ये थोड़े से कठिन ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो याद कर सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 45, जो नाइट्रोजन होता है इसकी कमी से रिंकलिंग इन सीरियल ग्रेन्स, ठीक है, बस इतना मैच कर लो भी हो जाएगा। वैसे ऑप्शन ऐसे दिए गए जो आपने पढ़े नहीं होंगे ज्यादातर। द ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ द एडनल कॉर्टेक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, द ग्लोमेरुलर एरिया ऑफ एडनल कॉर्टेक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, तीन एरिया होते हैं ना, ग्लोमेरुलर एरिया, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलर एरिया क्या करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है ना, ये रिलीज करता है एल्डोस्ट्रॉन को, एल्डोस्ट्रॉन को, तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। ये वायरस विद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज डिस्कवर्ड, इट्स डीएनए इज एम्पलीफाइड बाय रनिंग 10 साइकिल ऑफ पीसीआर, हाउ मेनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल बी फॉर्म्ड एट द एंड, ठीक है, फिर 10 बार एम्पलीफाई करते हैं, तो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक बार एम्पलीफाई करेंगे तो दो हो जाएंगे, दो बार में चार हो जाएंगे, तीन बार में 8 हो जाएंगे, 4 बार में 16 हो जाएंगे, 5 बार में 32 हो जाएंगे, 6 बार में 64 हो जाएंगे, 7 बार में 128 हो जाएंगे, 8 बार में 256 हो जाएंगे, 9 बार में 512 हो जाएंगे और 10 बार में 1024 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, 1024 मत लगा देना, ये आंसर नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि आपसे कहा है कि वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और आपसे कहा हाउ मेनी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बी फॉर्म, तो इतने तो आपको क्या मिले, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसको डबल करोगे तो आधे बचेंगे ना, डबल करोगे तो आंसर आएगा 512। लल्ला, कुछ समझ में आया मेरे बच्चों? कुछ समझ में आया? बी आंसर होगा बेटा, इतना हलवा नहीं है, एनटीए मॉक टेस्ट है ये, हल्के में मत लेना इसको। ए सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन, इसे कहते हैं सॉल्टेशन। वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इज कॉल्ड, वायरस के द्वारा जो डीएनए का ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। किसने इसकी खोज की थी, कोई मुझे बता सकता है? ट्रांसडक्शन की खोज किसने की थी? विच ऑफ दिस सिम्टम आर एसोसिएटेड विद द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन,
थायराइड हार्मोन के हाइपो सिक्रीशन से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50। डिक्रीज पल्स रेट, पल्स रेट कम हो जाएगा, पल्स रेट कम हो जाएगा। द सक्शन प्रेशर ऑफ द सेली, सक्शन प्रेशर किसके बराबर होता है? सक्शन प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है? हाँ, जेंडर एंड लेडरबर्ग, बिल्कुल सही, जेंडर एंड लेडरबर्ग के द्वारा। ओके, इक्वल टू डीपीडी। सक्शन प्रेशर डीपीडी के इक्विवेलेंट होता है, डीपीडी के इक्विवेलेंट होता है। इन्हें यूनिलॉकुलर ओवरी विद ए सिंगल ओविल का प्लेसेंटेशन है। यूनिलॉकुलर ओवरी, सिंगल ओव्यूल, एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। कौन सा है बेटा? दैट इज बेसल प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डीएनए डिनोटेड एज 2C। इनिशियल अमाउंट अगर 2C है तो ये 4C कब हो जाएगा? तो बेटा एस फेज में 4C हो जाता है, तो एस फेज के बाद आता है G2 और M। देखो ऐसा G1, S, G2 और M, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2C है इनिशियल, तो यहाँ 4C हो जाएगा, यहाँ भी 4C होगा, यहाँ भी 4C। तो अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए G2 एंड M दिया गया, ये आपको बाकी कोई ऑप्शन तो होगा नहीं, G1 तो हो नहीं सकता है, ओनली G2 दिया गया, ये भी नहीं सही होगा। सेलेक्ट द डिजीज विच इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है बेटा, ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना, ये तो जेनेटिक डिजीज है, ये ऑटो इम्यून नहीं। बाकी मायस्थीनिया ग्रेविस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ग्रेव डिजीज। एनसीईआरटी में ग्रेव डिजीज नहीं दी गई, तो इसको ध्यान रखिएगा, बाकी दोनों एनसीईआरटी में आपको दी गई। चलो कॉलम मैच करते हैं आपको। मोनेरा के मेंबर कौन है? मोनेरा के मेंबर कौन है? बैसिलस एंड ऑस्लेटोरिया हो जाएंगे, तो ए को टू से मैच कर दिया। टू, प्रोटिस्टा के मेंबर कौन है? प्रोटिस्टा में कौन आ जाएगा? यूलिना आ जाएगा, ट्रिपैनोसोमा आ जाएगा, तो टू को थ्री से मैच कर दिया। ए टू, टू थ्री, ए टू, टू थ्री, थ्री देखो फंजाई, फंजाई कौन है? म्यूकर और पेनिसिलिया, तो थ्री को फोर से मैच कर दिया, बस बी ऑप्शन आ गया, 55 का बी ऑप्शन। इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्क्रॉटम। अगर स्क्रॉटम का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस क्यों होते हैं? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस रिड्यूस हो जाएगी, स्पर्म स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, जीवन का लक्ष्य खत्म। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है बेटा? जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट। अगर डॉर्फ प्लांट है तो उसमें ये इलोंगेशन करा सकता है, इसकी खास बात है। इन सिकल सेल एनीमिया द आरबीसी सेव ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन बिकम कैसा हो जाता है? नॉर्मल सेव कैसा होता है? बाई कॉन्क्यूटिस लाइक होता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी में इलांगेटेड और कर्व हो जाएगा, और जो कर्व सेव होगा उसी को क्या कहते हैं? सिकल सेल। अनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू इट्स। अनियन का प्रोपेगेशन कैसे होता है? तो अनियन में क्या पाया जाता है बेटा? बल्ब पाया जाता है ना, अनियन में तो बल्ब पाया जाता है। चलो नेक्स्ट मैच करो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है। अर्थवर्म में क्या होता है? अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में नेफ्रिडिया होते हैं। कॉकरोच में क्या होते हैं? मालपीजन टिब्यूल होते हैं, तो AR, BS, ठीक है। रोटिफर्स में क्या होते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड होते हैं, तो CPD, क्यों नहीं, सी ऑप्शन आ जाएगा 60 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए बायो वेपन इन वॉर? बायो वेपन, जैसे कोरोना वायरस, ये माना जा रहा है कि ये एक बायो वेपन की तरह चाइना ने बनाया था, तो एक पैथोजन हो सकता है, टॉक्सिन फ्रॉम पैथोजन हो सकता है, डिलीवरी सिस्टम फॉर द बायो वेपन एजेंट, यानी ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। चलिए, ये डायग्राम आपको दिए गए बेटा, तीन डायग्राम आपको दिए गए हैं, और इसमें आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
तो पहला ऑप्शन दिया गया ए इट इज पिरामिड शेप्ड एज पिरामिड इंडिकेटिंग डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ए वाला तो इंक्रीजिंग को बता रहा तो गलत हो गया। बी इट इज वेल शेप्ड पिरामिड इंडिकेटिंग स्टेबल पॉपुलेशन, बी वाला तो सही लग रहा है। सी इट इज अनशेप्ड पिरामिड इंडिकेटिंग इंक्रीज, ये तो डिक्रीजिंग है, तो केवल बी ऑप्शन सही है। संजीव मैं ठीक हूँ बेटा, एकदम बढ़िया, आप सब बच्चे कैसे हो? केवल बी सही बेटा, ऑल मत कर देना इसमें, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया, मेन कॉज पूछा है, मेन कॉज क्या होता है? तो मेन कॉज होता हैबिटाट लॉस यानी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज, अगर मेन ना कहता, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में मेन हटा दीजिए तो आपका आंसर डी हो जाता, लेकिन मेन कहा है इसलिए डिफॉरेस्टेशन या हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक कौन होगा? प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल होगी या मिडिल लैमेला? ये सेल वॉल हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले बनती है वो प्राइमरी होती है, बाहर अंदर सेकेंडरी बनती, तो सेकेंडरी सबसे नजदीक हो जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल, और मिडिल लैमेला तो और बाहर हो जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी हो जाएगी ना बेटा। 64 के लिए सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ बनती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना के लिए कौन सा करेक्ट है? फैमिली कौन सी है एट्रोपा बेलाडोना की? सोलेनेसी फैमिली होती है, और बेलाडोना क्या होता है? बेलाडोना हेलुसिनोजेनिक होता है, सोलेनेसी फैमिली है, मेडिसिनल प्लांट है, हेलुसिनोजेनिक होता है, बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नहीं बेटा संजीव, सेकेंडरी के नजदीक पाया जाएगा। इन ए मैच्योर डाइकॉट सिस्टम विच हैव अंडरगॉन सेकेंडरी ग्रोथ द यंगेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम सिचुएटेड, सेकेंडरी जाइलम की जो यंगेस्ट लेयर है वो कहाँ पर पाई जाएगी? कहाँ पर होगी? जस्ट इनर टू द वेस्कुलर, जस्ट इनर टू द वेस्कुलर कैंडियम पाई जाएगी, बिल्कुल सही है बेटा। विजय कुमार, नहीं विजय कुमार ने गलत किया है, 66 का आंसर किसने सही किया है? शिखा यादव ने सही किया है, विजय कुमार ने सही किया है, एलन वॉकर ने सही किया है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? देखो जरा, 67। सिक्स टर्न ऑफ पी डीएनए हैज 120 न्यूक्लियोटाइड, सही, 6 टर्न है तो 60 बेस पेयर हो गए, और 60 बेस पेयर मतलब 120 न्यूक्लियोटाइड, सही। इन प्रोकैरियोट जीन रेगुलेशन जनरली अकर एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सही। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनोड व्हाइल वर्किंग ऑन ईस्ट, ईस्ट पे काम कर रहे थे, ई कोलाई पे, गलत हो गया ना? द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पेप्टाइड चेन सिंथेसिस इज राइबोसाइम इन बैक्टीरिया एंड लाइसिन द 57, सही है। ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए सिंथेसाइज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रोका जाती है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा, तो पूछा कितने सही है, 3 सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन आ जाएगा। राइबोसोम आर करेक्टली कैटेगराइज्ड बाई फॉलोइंग स्टेट, दे आर कंपोज एंटायरली ऑफ आर आर एन, एक प्रोटीन भी होती है ना, दे आर कंपोज ऑफ टू इक्वल सब यूनिट, नहीं बेटा अनइक्वल होती है, दे डिफर इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इन द ओरिजिन। अच्छा चलो, एक एक चीज ये चेक कर लेते हैं कि दे आर कंपोज ऑफ 3 इक्वल सब यूनिट, तो 3 नहीं तो बेटा 2 अनइक्वल होते, तो ये 3 ऑप्शन तो हमें पता है गलत है, लेकिन सी ऑप्शन हमें नहीं पता, ये सही होगा, है ना? 68 के लिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द फीमेल कॉकरोच एक्सेप्ट, फीमेल कॉकरोच में क्या नहीं होता है? फैट बॉडी होती है,
गोनेकोफाइसेस होती है, वेस्टिबुलम होती है। एनल स्टाइल तो मेल का फीचर है बेटा, तो एक फीमेल में नहीं पाया जाएगा ना, फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल नहीं पाया जाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला लीच डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट? पेंगुइन इज होम्योथर्मिक, पेंगुइन बर्ड है ना, और बर्ड होम्योथर्मिक होता है, वाइल रिमेनिंग थ्री आर पॉइक्लोथर्मिक, बाकी तीनों पॉइक्लोथर्मिक है। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन तो मैमल है, तो ये पॉइक्लोथर्मिक तो नहीं, तो गलत हो गया ना। लीच इज फ्रेश वाटर फ्रॉम वाइल अदर थ्री आर मैरीन, स्पॉन्जिला भी फ्रेश वाटर होता है, ये भी गलत हो गया। स्पॉन्जिला इज स्पेशल कॉलर सेल कॉल्ड क्वाइनोसाइट नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री। यस यस सी ऑप्शन सी होते हैं। ऑल्सो बायलेटरल सिमेट्री, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इसमें एसिमेट्री पाई जाती है, सी ऑप्शन होता है, तो बिल्कुल ठीक है। विच आर द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट ऑफ फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट कौन से? 71 एप्पल, कैसियो नट, पियर, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, पाइनएप्पल, ये सारे ही फॉल्स फ्रूट हैं। और कुछ ठीक, एनसीईआरटी में एप्पल दिया है, कैसू दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी आपको दिया हुआ है ना, तीन तो दिए ही गए हैं, बाकी पाइनएप्पल। और अगर ये तीन सही है तो फिर ऑल तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी है ना। आफ्टर ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, इट इज पास्ड इनटू ए सेटलिंग टैंक वेयर बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड। बीओडी के कम होने के बाद फ्लॉक्स को जब हम सेडिमेंट करते हैं तो इस सेडिमेंट को क्या कहते हैं? दैट सेडिमेंट इज नेम्ड एज एक्टिवेटेड स्लज, इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में भी पूछा गया था। एरिया ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आई कंटेनिंग ओनली कोन सेल इज कॉल्ड, केवल कोन कहाँ पर पाई जाती है? केवल कोन। ये होता फोविया सेंट्रैलिस, फोविया सेंट्रैलिस में केवल और केवल कोन पाई जाती है। ए प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोअन इन इट्स पॉपुलेशन आफ्टर सिक्स जनरेशन? सिक्स जनरेशन के बाद कितने? तो एक जनरेशन के बाद दो हो जाएंगे, दो के बाद चार हो जाएंगे, तीन के बाद आठ हो जाएंगे, चार के बाद 16 हो जाएंगे, पांच के बाद 32 हो जाएंगे, और 6 के बाद 64 हो जाएंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के लिए कौन सा सही नहीं? इट इज पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, एसिटाबुलम इज द पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल, तो पहला ही गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया 75 के लिए। द रेट ऑफ एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी, दैट इज जीपीपी से ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। केमिकल लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जीपीपी होगा बेटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द लिम्फ, लिम्फ में क्या कह रहा है? ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसीज एंड सम प्रोटीन, लिम्फ हो जाए, बी ऑप्शन करेक्ट हो। कॉलम मैच करना है, मेरिस्टम, मेरिस्टम को किससे मैच करोगे? मेरिस्टम एक्टिवली डिवाइडिंग सी से मैच करोगे, बस एक मैच के लिए काम करता हूँ, बी ऑप्शन। अब एग्जाम में ऐसे ही मैच करना है बेटा, ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से आपको मैच करना हो। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सीलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट इन कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ नेफ्रिक ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब ओनली वाटर, सीलिएटेड एपिथीलियम पीसीटी डीसीटी में नहीं पाई जाती ना, गलत है। हाइवर्सियन कैनाल आर इंटरकनेक्टेड बाई कैनालिकुलाई एंड लैगुना, एब्डोमिनल वॉल इन द अवर बॉडी हैज स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी मसल, स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी,
चीजें तो पॉसिबल नहीं। इस क्रिएटेड और इन्वॉल्व इलास्टिक कार्टेजेस प्रेजेंट एट टिप ऑफ ओवर मून, ये सी डी ऑप्शन से, यानी बाकी सब गलत है। हमारी टिप ऑफ नोज पे इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ईयर पिन्ना में पाई जाती है इलास्टिक कार्टिलेज। ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक है? ट्रू फॉल्स आपको बताना है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ट्रू है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्राइन मसल ड्यूरिंग बर्थ, ट्रू है। ग्रेव डिजीज कॉज बाई मल फंक्शनिंग ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, ग्रेव डिजीज, ग्रेस डिजीज किसकी वजह से होती है? थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये गलत हो गया। एडीएच स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, तो गलत हो गया। ए बी ट्रू है, सी डी फॉल्स है, डी आंसर हो गया। विच ऑफ दीज इन नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन सा है? नॉन स्टेरॉइडल कौन सा है बेटा? सहेली है ना, सहेली। लखनऊ में बनाया गया था सीडीआरआई के साइंटिस्ट के द्वारा ना, सीडीआरआई के साइंटिस्ट ने लखनऊ में इसको बनाया। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट पर, ये प्रोटॉन के ग्रेडियंट पर बेस्ड होता है। Which one of the following is not a plastid? इनमें से कौन सा प्लास्टिड नहीं? एलिरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, बस एलिरोन नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज ऑफ स्टीरिंग टाइप, द स्टीरर फैसिलिटेट। स्टीरर का काम क्या होता है? स्टीरर का काम होता है मिक्स करना चीजों को, है ना, मिक्स करना। तो स्टीरर की वजह से जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है पूरे बायोरिएक्टर में मेंटेन है। हाउ मच ऑक्सीजन इज सप्लाई टू टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन बाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ले जाता है, कितना सप्लाई करता है? 5 ml ब्लड, 5 ml ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। एनसीईआरटी में दिया गया आपका। चलो कॉलम मैच करते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंप्लीट इट्स कंडेंसेशन, तो ये एक उत्ती से मैच ही नहीं करेगा किसी, दूसरा कोई ऑप्शन देखते हैं। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग नियर द न्यूक्लियस, असेंबली स्टार्ट हो जाती है। A4 से मैच कर दो बस, आ गया। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप मैच कर सकते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस एग्जिस्टिंग नियरली, कब एग्जिस्ट करते थे? रामापिथेकस सीधे एनसीईआरटी की लाइन है ह्यूमन इवोल्यूशन, 15 मिलियन ईयर है वो, 15 मिलियन ईयर है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एटमोस्फियर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पलूटेंट, कौन सी गैर कंसिडर्ड नहीं कहती पलूटेंट के तौर पर? बहुत बढ़िया सवाल है। CO2 गैस को नॉर्मली हम पलूटेंट कंसिडर नहीं करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। व्हाट इज फॉल्स? मेनार्की इज द बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, सही है। मेंस्ट्रुएशन इज द सेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, सही है। मीनोपॉज अकर एट द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी, नहीं बेटा, बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी पे तो मीनार्ची होती है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कैन बी लोकेटेड इन, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज कहाँ पर होगी? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला स्टेज कहाँ पर होगी? ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस के अंदर। ये आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये क्लास बेटा एवरी डे होगी, ठीक है, एवरी डे। कितने बजे? सुबह 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 से 7:30 के बीच में क्लास होती है। 90 क्वेश्चन हम करते हैं एनटीएम मॉक टेस्ट के, और पूरे 38 चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। फिर 7:45 से एक क्लास आपकी होगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, 20 मिनट की क्लास होगी, 45 क्वेश्चन, और फिर एक क्लास होगी 8:15 पर ऐप पर, और ये भी क्लासेस आपकी रेगुलरली चल रही बेटा, ठीक है। तो अभी जस्ट
कितनी देर में, 6 मिनट में क्लास होने वाली, 6 मिनट में क्लास होने वाली है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वीआईपी सीरीज में वो है इकोसिस्टम, ठीक है। और 8:15 पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एनटीएम में करेंगे, ठीक। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप, ठीक है बच्चों। और इससे थोड़ा सुबह उठने की आदत भी आपकी पड़ जाएगी, है ना। वरना दिन आप देखो 1 घंटे अगर आपने सुबह उठ लिया, सुबह आप जग गए, तो आप देखिए 90 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी इन दोनों सेशन में 20 20 मिनट में 90 क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। अच्छा एनटीए टेस्ट है कौन सा, ये जो मैंने कराया है ये एनटीए मॉक टेस्ट नंबर है 91, एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 91, ओके। ठीक, तो मिलते हैं बेटा 5 मिनट में, मिलते हैं 7:40 हो रहा है, 7:45 में मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और क्वेश्चन करेंगे किसके, आज का हमारा टॉपिक है इको सिस्टम वीआईपी सीरीज वीवीएस, क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। बाय बाय बच्चों, तुरंत मिलते हैं बेटा, तुरंत मिलते हैं।